लेकिन क्या महामाया मंत्र का ऐसी दुर्वासा माम ने जो महामाया को छोड़ा था, क्या वो नवारण मंत्र था? क्या महामाया की स्थापना की थी वो कौन सा मंत्र था जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ की यह महामाया मंदिर दिव्यता के साथ है, और यहाँ ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको जिससे महामाया प्रसन्न हो सकती है? छत्तीसगढ़ के राजा को भी यह बात आई, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा। तब उन्होंने कहा कि देवी भागवत में या मां अपने महाभारत श्रीमद भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण मथुरा में रहकर जरासंधारी राक्षसों के साथ बहुत परेशान हो गए थे, वो लोग रोज रात में माया से आकर मारते थे, तो बलराम और श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा, मेरे राज्य में अकारण हमारे दोनों के कारण यहाँ की जनता मर रही है। तब उन्होंने महामाया की प्रार्थना की, तब महामाया ने कहा कृष्ण मैं यहाँ जमीन में गड़ी हुई हूँ, तू अगर छत्तीसगढ़ के यहाँ तू इस कलयुग में जगन्नाथ रूप में जब लेगा जगन्नाथ रूप में अवतार करेगा, तब अगर तू यहाँ आता है तो मैं यहाँ तुझे उस सिद्धि को प्रदान करती हूँ जो सिद्धि प्रदान की है। तब श्री कृष्ण भगवान ने महामाया की स्थापना महामाया की, और अपने गुरु सांदीपनी महामुनि जो अमरकंटक के पास जिनका आश्रम है, कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि है जिनका आश्रम अमरकंटक के पास है, उस सांदीपनी महामुनि को उन्होंने पूछा कि इस महामाया क्षेत्र को किस प्रकार करने से एक उज्ज्वलता श्रेष्ठता आएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा यह बहुत रहस्य की बात है, किसी को बताना नहीं, जो महामाया का यंत्र यहाँ के लोग उस महामाया के विशिष्ट मंत्र के साथ पूजा करते हैं या जो स्त्री पूजा करती हैं वह सौभाग्यवती ही जाएगी, उसको कभी असौभाग्य या वैधव्य नहीं प्राप्त होगा, और उसके साथ उसका पति सुख के साथ जीवन करेगा, उसका धर्म से सारे सुख प्रदान होंगे। तब कृष्ण ने महामाया का आह्वान किया और कहा महामाया मैं चाहता हूँ कि मथुरा के लोग ये जरासंध आदि राक्षसों के साथ रोज पीड़ा प्राप्त करते हैं और हमारे कारण इनको पीड़ा होती है, आप कुछ न कुछ करके इनकी रक्षा करो। तब महामाया ने कहा मैं तुझे यंत्र देती हूँ, उस यंत्र से और तू उस मंत्र का तू एक दिन रात में तू और बलराम दोनों जप करो, मैं तुम्हारे सभी लोगों की रक्षा करूंगा। कृष्ण और बलराम जी ने उस यंत्र को रखकर महामाया का मंत्र किया। महामाया का मंत्र करने के बाद उन्होंने महामाया से प्रार्थना की कि माँ हमारी रक्षा करो, तो मय नाम का एक राक्षस था जो राक्षसों का शिल्पकार था, जैसे हम विश्वकर्मा कहते हैं देवताओं के शिल्पकार हैं, वैसे राक्षसों में भी शिल्पकार था जिसका नाम था मय। माँ महामाया ने मय से कहा कि मेरा कृष्ण मेरी भक्ति कर रहा है, वो महामाया का मंत्र जप कर रहा है, उसकी यंत्र की स्थापना है, उसके पास से वो यंत्र लेकर तू आकाश में उड़ जा और जहाँ कृष्ण के लिए ऐसा गांव बसा दे, ऐसा शहर बसा दे, ऐसा नगर बसा दे जहाँ कोई राक्षस आ नहीं सकता, जहाँ मेरा यंत्र है वहाँ राक्षस का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसी जगह तू बसा दे। उस मय ने उस श्री कृष्ण और बलराम की स्थापना की, उस यंत्र को हाथ में लिया और वे जैसे ही आकाश में उड़े उन्होंने वहाँ से देखा कि द्वारका ही एक ऐसी चीज़ है जो समुद्र से घिरी हुई है और समुद्र के बीच किले में उन्होंने द्वारकाधीश का उस शहर उस नगर को स्थापन किया एक ही रात में स्थापना किया। तब कृष्ण जब प्रार्थना कर रहे थे तो महामाया ने कहा हे कृष्ण तू बोल कि तेरे शहर में तेरे नगर में मथुरा में जितने भी लोग हैं उन गोपिकाओं को उन सभी को बोल कि महामाया का मंत्र कर, जो महामाया का मंत्र करेगा वह कल सुबह तक सुरक्षित हो जाएगा। सब लोगों को आश्चर्य कैसे सुरक्षित हुआ, और उन्होंने उस रात में उस महामाया के मंत्र का उच्चारण किया और सुबह जब आंख खोल कर देखते हैं तो इस सारे मथुरा के लोग द्वारका में थे। द्वारका कहाँ है? गुजरात में, और मथुरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उस महामाया की इतनी श्रेष्ठता थी कि वे सुरक्षित हो गए और कृष्ण भी निश्चिंत हो गए कि अब राक्षसों का अवरोह में मथुरा जरासंध आदि को मैं देख लेता हूँ। और उन्हें जरासंध आदि का कैसा मारा कि भागवत में उसकी कथाएं हैं, भीमसेन जी ने मारा है उनको, कैसा मरवाया, ये सारी बहुत बड़ी कहानियां हैं, वो बात अलग। लेकिन यह महामाया की वो श्रेष्ठता थी जिसके उपासक भगवान श्री कृष्ण भी थे और उन्हें अपनी जनता की रक्षा की थी। तब महामाया ने कहा कि इस यंत्र की जो अपने घर में रख के पूरा करता है वह अपने गांव का अपने शहर का श्रेष्ठ राजा कहलाया जाएगा, जो इस मंत्र को करता है उसको राज्य पद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तब महामाया की इस आशीर्वाद से उस यंत्र की कृपा से जो महामाया ने कृष्ण को दी थी, आज तक अगर मैं ठीक हूँ, मैंने अगर झूठ नहीं कहता हूँ तो यहाँ सभी आप लोग हैं
तो आप लोग बताओ कि क्या यहाँ महामाया देवी का कोई यंत्र आज तक यहाँ किसी ने दिया है या आपने लिया है, या छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी लोग हैं, और आपको नवरात्र मंत्र को छोड़कर किसी ने महामाया का मंत्र दिया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसे मुझे ढूंढने के लिए महामाया क्षेत्र को या इसकी महत्ता को देखने के लिए मुझे बहुत एक प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें ढूंढने पड़ी, पढ़ना पड़ा। जब मुझे इसका आनंद हुआ, कहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, छत्तीसगढ़ के लोग बताएं यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो उस जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद यहाँ की स्थापना और महामाया के मंदिर क्षेत्र का देवता बड़ी, और जो इस महामाया छत्तीसगढ़ लोग हों, जितने भी राजा यहाँ हुए, जिन्होंने भी उस महामाया यंत्र को रहस्य के साथ अपने स्थापन किया, इसलिए छत्तीसगढ़ हुए यहाँ और 36 राजा अपना राज्य करते हुए जीवन बिताते थे। तो उस दिव्यता को, उस यंत्र की श्रेष्ठता किसी ने किसी को नहीं बताई, और वो उस मंत्र को भी किसी ने किसी को नहीं बताया। आज शुक्रवार का दिन है, जो राक्षसों के गुरु शुक्र जी का वार है, और आज माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज हम ऐसे ही महामाया के क्षेत्र में आए हैं, और पहली बार महामाया का यंत्र और महामाया का मंत्र मैंने हम साधकों के लिए जो यहाँ आए हैं वे दिव्यता को प्राप्त करें। जो राज्य की प्राप्ति चाहते हैं, जो धन की प्राप्ति चाहते हैं, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, उस निश्चित रूप से उस साधना को संपन्न करें, और देखें कि मैं कभी अगली बार आऊँ तो आप कहें कि हमने उस साधना को किया है। प्रभु, हम गरीब नहीं हैं, हम दरिद्र नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं, एक बात आप कहें, मैं मानता हूँ कि मैंने ये साधना और यंत्र श्रेष्ठता के साथ आपको प्रदान किया। मैं पहले गुरुपद का सिद्धि दिवस का वह आज की विशेषता की पदकों का पूजन आपके साथ संपन्न करूंगा, उसके बाद उस महामाया मंत्र को और उस महामाया यंत्र को केवल क्योंकि वो रहस्यमय है पूछने पर ही दूंगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं कि महामाया हम दिव्यता का जीवन चाहते हैं, हमारे घर में सुख शांति चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, हम एक प्रकार की श्रेष्ठता चाहते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं, कोई लोगों को यंत्र मिलेगा महामाया का। इससे पहले हम गुरुपाद का सिद्धि दिवस है, कहते हैं कि सायं समय में ही गुरुपादुकाओं का पूजन करना चाहिए। सुबह से हम जितना भी हो सके हमारे से स्नान आदि से शुद्ध होकर आकर सफेद वस्त्र पहनकर गुरुपादुकाओं का आज पूजन कर, जो अपने घर में गुरुपादुकाओं की स्थापना करता है उसको हर वर्ष उस गुरुपादुका को इन गुरुपादुका सिद्धि दिवस के दिन जो उसी मंत्र के साथ पूजा करता है उसके घर में गुरु की स्थापना निश्चित रूप से होती ही है, ऐसा कहा गया है। अभी मैं आपको एक 15 मिनट का समय देता हूँ, जिनके पास गुरुपादुकाएं नहीं है या गुरुपादुकाएं नहीं है वो सब ला लें और मेरे साथ गुरुपादुकाओं की का पूजन संपन्न करें, और अपने घर में गुरुपादुकाओं को आज के दिन मार्गशीर्ष द्वितीया को स्थापित करें और वो सिद्धि प्राप्त करें कि तुम्हारे घर में गुरु जी का वास है, ये आप अनुभव करें। ऐसी ही इच्छा रखता हुआ पहले गुरुपादुकाओं का मंत्र और साधना आपके साथ करवाऊंगा, मैं भी आपके साथ करूंगा। आप सभी लोगों को 15 मिनट का समय देता हूँ, गुरुपादुकाओं का यंत्र बुला ले, तब तक मैं यहाँ तैयारी करता हूँ। पहले गुरुपादुका सिद्धि दिवस की पूजा और मंत्र उच्चारण और साधना संपन्न होगी। आप सभी लोग तब तक 5 माला गुरु मंत्र जप करें, जो कर रहे हैं 5 माला गुरु मंत्र जप करें, और उसके बाद गुरुपादुकाओं को लाकर आपके सामने रखें और उस पादुकाओं की पूजा करें जो आपके गृह में स्थापना करना चाहते हैं। मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ, आपने सभी लोगों ने तो गुरु मंत्र दीक्षा ली ही होगी, नहीं लिए हैं तो मैं गुरु पूजन करते समय आपको गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान करूँगा। आशीर्वाद देता हूँ कि आप गुरुमय हो, गुरुजी आपकी गुरुजी का आपके हृदय में वास हो, और आप जो भी साधना करते हैं उस साधना की श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो। ऐसा ही हम आज के दिन यहाँ जब आप आए हैं तो इसकी विशिष्टता आप प्राप्त करें। मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ, गुरुपादुकाओं का पूजन का विधान यहाँ आपके सामने बैठकर ही मैं संपन्न करूँगा, आप मेरे साथ संपन्न करें।